गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। आप हो हनीशा वर्मा के साथ आपके अपने चैनल हनी एंड टेक पे। यस, डिस्प्ले में आपको जो लोगो दिख रहा है ये है व्हाट्सअप। यस, मैंने गूगल पे आज मैंने सोचा व्हाट्सअप पे कुछ मैं ट्रेन कर दूँ, क्योंकि आज रिसेंटली मैंने किसी रिसेंटली सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने एक नया स्मार्टफोन ख़रीदा, उन्हें मैंने व्हाट्सएप की कुछ सेटिंग्स समझाई जिससे वो काफ़ी खुश हुए, उन्हें अच्छा लगा बिकॉज उन्हें हेल्प नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने सोचा मुझे ये भी टॉपिक कवर कर लेना चाहिए बिकॉज मेरे जो फॉलोअर लिस्ट में उसमें काफ़ी मेरे जो सीनियर सिटीजन भी है जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ एक्सेल या कुछ मोबाइल से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है ये सारे टॉपिक भी शायद आप प्लीज़ कवर कीजिए। तो यस, मैं व्हाट्सएप से रिलेटेड भी आपको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ टिप्स बता दे रहूँगी। सो क्विकली हम चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ। यहाँ पे मैं चलती हूँ, राइट साइड पे हमारा एक आइकन आया है स्टेटस, स्टेटस प्राइवेसी। ओके, स्टेटस हम लोग सब स्टेटस पोस्ट करते हैं, हमारा जो भी माइंडसेट चल रहा है या हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए तो हम स्टेटस के थ्रू पोस्ट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो क्योंकि ये प्राइवेसी की बात है कि हम कितने लोगों तक अपने जो फ़ोटोज़ या अपने थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं, ये स्टेटस प्राइवेसी में व्हाट्सएप ने आपको दिया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट ओनली शेयर विद आपको दिया गया है। तो माई कॉन्टैक्ट्स मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्टेटस है सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं वो लोग ही देख सकते हैं। वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट में मैं जब भी क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो कि मेरी जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे पास जो नाम है, राइट साइड पर आपको सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर मैं टिक कर सकती हूँ। ओके, सो इन कॉन्टैक्ट्स के साथ मैं अपने स्टेटस या मेरे जो कोट्स मैं पोस्ट करती हूँ वो मैं नहीं दिखाना चाहती, तो मैं उनको टिक कर सकती हूँ अगर मैं नहीं चाहती कि वो मेरा स्टेटस देखे। ये काफ़ी टाइम क्या होता है, मतलब कोई वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा है, ऑफिस में नहीं बताना है, तो यस वो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे पता ना चले आपके ऑफिस में किसी को पता ना चले। अगेन थर्ड ऑप्शन है ओनली शेयर विथ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, उसको मैसेज देना है, यस आप डायरेक्टली भी मैसेज दे सकते हो, उसमें कोई शक नहीं, बट अगर आपको स्टेटस के थ्रू अगर आपको मैसेज एक्सप्रेस करना है तो आप ओनली शेयर विथ में जा सकते हो और बाकी लोग को टिक करके उस वन पर्सन को टू पर्सन को अनटिक रख सकते हो जिससे वो आपका स्टेटस देख सके। ओके, सो ये है स्टेटस प्राइवेसी का ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा मैं सेकंड टिप पे चली जाती हूँ जहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम वेरियस ग्रुप्स में मेंबर्स होते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कौन ऐड कर सके। ओके, मतलब व्हाट्सएप ने ये फीचर दिया है कि ग्रुप में मुझे कौन ऐड कर सकता है। कई बार हो जाता है कि हम अनवांटेड ग्रुप में भी ऐड हो जाते हैं, तो इसीलिए व्हाट्सएप ने आपको सेटिंग ऑप्शन दिया है। ग्रुप सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, प्राइवेसी में जाना है, ग्रुप्स में जाना है, वो कैन एडमिट टू दिस ग्रुप एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। अगर इसमें भी मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे ये राइट समझो एक कोई है मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, हमारा दूर का रिश्तेदार है जो अनवांटेड ग्रुप में हमें ऐड कर देता है, तो आप चाहते हो कि वो मुझे कोई भी ग्रुप में ऐड ना कर सके, तो आप उसे यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट में जाके क्लिक कर सकते हो और उस नंबर को आप सिलेक्ट कर सकते हो जो यूज़र आपको ऐड ना कर सके। ओके, तो जिससे वो आपको अनवांटेड ग्रुप में, अगर कोई आपको इस तरह से परेशान कर रहा है और आप फैमिली मेम्बर है, नोन पर्सन, आप उसको मना भी नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, तो वो आपको अनवांटेड ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। थर्ड जो व्हाट्सएप की ट्रिक है मैं बताने जाने वाली हूँ, जहाँ पे आप देखिए प्राइवेसी में आपको दिख रहा है लास्ट सीन, आप चाहते हो अगर लास्ट सीन आपका ऑफ करना चाहते हो तो नो बड़ी, इससे अगर आपका लास्ट सीन मतलब कोई देख ना सके कि आप कितने बजे ऑनलाइन थे, तो यहाँ से आप नो बड़ी भी कर सकते हो। माई कॉन्टैक्ट्स को या तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपने सेव किए हैं वही कॉन्टैक्ट्स आपका लास्ट सीन देख सके, तो माई कॉन्टैक्ट रख सकते हो, या एवरीवन कोई भी, मतलब कोई जिन्होंने आपका नंबर सेव नहीं किया, आपने उनका नंबर सेव नहीं किया फिर भी उन्हें अगर देख सके तो आप एवरीवन वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो।
इसके बाद है आपको माय प्रोफाइल फ़ोटो। आप चाहते हो कि आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो कौन कौन देख सके, तो यहाँ पे सिस्टम ने आपको दिया है व्हाट्सएप ने एवरीवन माय कॉन्टैक्ट्स नोबडी। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन आपका प्रोफाइल फ़ोटो देख सकता है, राइट। सो ये काफ़ी मतलब सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन कोई चेक ना कर सके, तो आप ये कर सकते हो। आपके बारे में कोई जानकारी, ये फिफ्थ ट्रिक है जहाँ पे आपके बारे में कोई जानकारी अबाउट आपके नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन, आपका नाम है, जैसे किसी ने आपका व्हाट्सएप नंबर सेव किया है तो आपके बारे में अगेन कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो वो कौन देख सकता है, माई कॉन्टैक्ट्स एवरीवन नोबडी। जो उसका जो सिस्टम दिया है वो बेसिक मॉड्यूल उन्होंने सेम दिया है जहाँ पे एवरीवन माई कॉन्टैक्ट्स नोबडी से आप चेक कर सकते हो, ओके। रीड रिसिप्ट ये इसीलिए दिया गया है जिससे अगर आप मैसेजेस भेजते हो तो वहाँ पे ब्लू टिक आता है, दो डबल क्लिक आते हैं, मतलब उन्होंने सामने जिसको आपने व्हाट्सएप किया है वो आपका मैसेज पढ़ लिया है, तो अगर वो ऑफ रखना है तो जिससे अगर उसने आपका आपने उनका मैसेज पढ़ लिया तो भी उसको नहीं दिखेगा। तो ये रीड रिसिप्ट है, आप इसको ऑन एंड ऑफ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। आज की जो लास्ट व्हाट्सएप सेटिंग है वो बता दूंगी आपको। आप अगर अगर आपको कोई अनवांटेड मैसेजेस भेज रहा है और आप चाहते हो उस पर्टिकुलर नंबर को ब्लॉक करना, ओके, सो आप प्राइवेसी ऑप्शन में ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट में जाके आप उस नंबर को आपके लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी अनवांटेड, अगर वो नंबर सेव कर लीजिए, नंबर सेव नहीं है तो भी वो मैसेजेस आपको जिन्होंने भेजे हैं वो यहाँ पे प्राइमरी में दिख जाएंगे। आप उस नंबर को सिलेक्ट करके आप सिर्फ उसको ब्लॉक कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी ये ब्लॉक किया, और उसी सेम नंबर को आप अनब्लॉक करना है, अगर गलती से ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक भी कर सकते हो, ओके। इससे क्या होगा, अगर आपको कोई अनवांटेड मैसेजेस भेज रहे तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ओके। मैं आशा करती हूँ आपको ये आज की जो व्हाट्सएप स्मार्ट ट्रिक्स है हनी एंड टेक की तरफ से समझ में आई हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए जिन्होंने अभी रिसेंटली व्हाट्सएप स्टार्ट किया है, स्मार्टफोन यूज़ करना स्टार्ट किया है। थैंक यू फॉर बीइंग विद हनी एंड टेक, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग अहेड, हैप्पी वीकेंड।